मालिक ने आपसे यह अपील की थी पहले ही, एक महीने पहले से, कि आप इसको जो हम ऑक्सीजन भर रहे हैं उसकी डबल डोज करिए। आपने उस पर भी तवज्जो नहीं दी, ध्यान नहीं दी। आज आप 3 दिनों से कर रहे हैं लिक्विड मंगाएंगे, 3 दिनों से आप कह रहे हैं कि मैं सुधा से टैंकर लूंगा, और आप लिक्विड की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। जो अंतिम चीज है वो सबसे महत्वपूर्ण, ये जो सुई है, ये ड्रग्स इंस्पेक्टर या ड्रग्स, ये सुई क्यों ब्लैक मार्केटिंग है, ये हम जानना चाहते हैं। ब्लैक मार्केटिंग है, उसी में एक कड़ी है, अंतिम कड़ी। फैक्ट्री से जो सप्लायर ऑक्सीजन ले जा रहा है, उस सप्लायरों ने मार्केट से आउट ऑफ मार्केट ऑक्सीजन को क्यों कर दिया? आप काला बाजारी पे क्यों अभी तक मदद नहीं की? क्या कर आपने काला बाजारी पर अभी तक रोक क्यों नहीं लगाई? तो इसमें कंप्लीट रूप से पदाधिकारी और इन सप्लायरों का, इन ब्लैक मार्केटर का इसमें योगदान है। हमारी गलती के चलते ये जो ये जबरदस्ती का सिर्फ पेपर में छपने के लिए सर्वदलीय बैठक, रात में कौन सा कोरोना आ रहा है भाई? सब सोया रहता है, वहां कौन कोरोना डूब रहा है? और किसी भी कीमत पर अब लॉकडाउन प्रॉब्लम, लॉकडाउन रिमेनिंग नहीं है। भूख से ज्यादा लोग मर जाएंगे, अन्य चीजों से ज्यादा लोग मर जाएंगे, कर्ज से ज्यादा लोग आत्महत्या कर लेंगे। लॉकडाउन करिए, आप व्यवस्था को, अपनी गलती को ढकने के लिए आप लॉकडाउन जैसी चीजों को आप थोपते हैं। हॉस्पिटल बनाएंगे नहीं, इमरजेंसी दवाई आपकी होगी नहीं, आपके पास वेंटिलेटर होगा नहीं, आपके पास डॉक्टर्स की कमी है, आप कंप्लीट रूप से आप सिर्फ लगातार 1 सालों के अंदर आप चुनाव में मशगूल रहे, 1 सालों के अंदर आप दल तोड़ने में बनाने में मशगूल रहे, 1 सालों के अंदर आप आपके लिए 8,000 का प्लेन आ जाएगा, आप 10,00,000 का आप कॉपरेटिव का लोन माफ कर देंगे, आप 20,000 की बिहार सरकार से और भारत सरकार से, भारत के और बिहार के जो प्रवासी मजदूर हैं उसको मंथली 6,000 रुपया देने की घोषणा करी। कि आप किसी का बिजनेस बंद करते हैं और उससे घाटा होता है तो उसकी बिजली बिल EMI माफ करिए, बिजली बिल को आप दीजिए या तो उसको माफ करिए। 20,000 से 22,000 रुपया एक परिवार पर खर्च होता है की व्यवस्था करके पहले से क्यों नहीं रखा? इसका मतलब है हमने मरवाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी, इसीलिए नेताओं पर, सिस्टम पर, पदाधिकारियों पर 302 का मुकदमा लगा। आदमी को मारने की साजिश, ये बीमारी से नहीं मर रहा, ये हमारे सिस्टम के और हमारी व्यवस्थाओं के कमजोरी के चलते लोग मर रहे हैं। ऑक्सीजन नहीं है, वो जो सुई है 2400 रेडिमिसिविर 24,000 में 25,000 में मिल रहा है। जीवन रक्षक दवाई आपके पास नहीं है, क्यों? आज हम फतवा के मैनेजर का और मालिक का कहना है कि हमारे पास लिक्विड ही उपलब्ध नहीं हो पा रही ऑक्सीजन। हमने डेली 1 टैंकर लिक्विड मांगी है, पटना को डेली 4 टैंकर लिक्विड चाहिए और 1 टैंकर लिक्विड आ रही है। ऑक्सीजन खरीद करके चाहे 12,000 रुपया में पर एक ऑक्सीजन पड़ता है। मैंने कल भी लगभग कई जगहों से ऑक्सीजन खरीदने की का काम मैंने किया ताकि अस्पताल में कोई ना मरे। आज भी मैं तैयार हूं, ऑक्सीजन सरकार व्यवस्था करे मैं पैसे देने को तैयार हूं, लेकिन ऑक्सीजन के चलते किसी को मरना ना पड़े।